तो दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, अगर आपके काम नहीं हो रहे हैं, अगर आप जहाँ भी जाते हैं आपको असफलता मिलती है या आप निराश अपनी ज़िंदगी से, सो ये वीडियो आपके लिए है। इसको पूरा देखिएगा, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन बदल जाए। मैं आपकी सोच बदलूँगा दोस्तों, क्योंकि सोच बदलती है तो दुनिया बदलती है। दोस्तों मैंने कई जगह सुना है कि बस एक यकीन, एक छोटा सा यकीन, एक जुनून और एक हौसला चाहिए, जीवन को सार्थक पार लगा देता है। वो एक नैया की तरह होता है, बीच भंवर में भी फंस जाए ना तो वो आपको किनारे ला के छोड़ देगा। दोस्तों मैं कहानी सुनाता हूँ एक राजा की, जो अपनी प्रजा को चेक करता है, देखता है कि कितनी सहानुभूति, कितना परिश्रम करने का उनमें समर्पण है लोगों के प्रति। सो वो क्या करता है कि एक मार्ग में एक पत्थर रख देता है जहाँ पे काफ़ी लोग की भीड़ होती है। सो वो देखता है कि कौन उस पत्थर को हटाने का प्रयास करता है। तो सुबह से शाम हो जाती है, किसी ने भी प्रयास नहीं किया। कुछ लोग उसको देख कर निकल जाते हैं, कुछ लोग उसको देख कर उसके आस पास बड़बड़ाते हैं कि यार इस राज्य का क्या होगा जहाँ इतने पत्थर पड़े हुए हैं, और ये कहकर चले जाते हैं, राजा को ही गाली बक के चले जाते हैं। और कुछ लोग मसले में पढ़ना नहीं चाहते तो उसको वैसे ही देखते हैं और फिर चले जाते हैं। शाम तक जब राजा ये सोचता है कि मेरी प्रजा को क्या हो गया है, वो किसी की कोई मदद करने ही नहीं चाहता है। सो तब एक किसान बाबा आते हैं और अपने सर की टोकरी निकाल के उस पत्थर को धीरे खसकाने की कोशिश करते हैं और खसका खसका के किनारे पाल लगा देते हैं। और जब देखते हैं कि उस पत्थर के नीचे एक थैला दबा हुआ था, और ये थैले को निकालते हैं, उसके अंदर सोने की असरफियाँ होती हैं और एक पत्र होता है। दोस्तों उस पत्र में लिखा होता है कि ये आपका इनाम है, मैं आपके नगर का राजा, मैं आपके परिश्रम की परीक्षा ले रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि आप कितना सोचते हैं राज्य के बारे में। अपने काम को छोड़ के आपने राज्य के बारे में सोचा, आपने इतना भारी पत्थर हटाने की कोशिश की, देखा मैंने किसी ने ये काम नहीं किया और लोग तो सिर्फ देख कर चले गए या कुछ बड़बड़ा के चले गए। तो यही आपका फल है कि ये पैसे अब आपके हैं, आप इनसे जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। दोस्तों ये जो कहानी है, ये मैसेज है कि ये जो पत्थर है हमारे जीवन की वही रुकावट है, ये हमारे जीवन का वही समय है जो बुरा है, और हम में से बहुत से लोग सिर्फ उसको देख के अनदेखा कर देते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अपने आप चला जाएगा, और कुछ लोग परिश्रम ही नहीं करते हैं। पर जो लोग परिश्रम करते हैं, जो लोग हार नहीं मानते हैं और जो लोग लगातार लगे रहते हैं, वो लोग जब इस पत्थर को हटा लेते हैं ना दोस्तों, तो उनको जो फल मिलता है ना, वो उनसे उम्मीद से बढ़कर होता है। तो दोस्तों मेरी बात मानिए, लाइफ में कभी भी मेहनत करने से मना मत कीजिए, हमेशा अपने काम को काम मत समझिए, उसको अपना ईमान समझिए। दोस्तों जिस तरह से आप खाना खाते हैं कभी भूलते नहीं, वैसे ही काम को समझिए। दोस्तों काम को अगर आप 5 से 6 की ड्यूटी बना लेंगे तो आप कभी भी अपने काम में सफल नहीं हो पाएंगे। मुझे लगता है कि अगर आप अपने काम को प्राइमरी ले लें, प्राथमिकता बना लें, आपके सवेरे रात शाम अगर आपके दिमाग में आपके काम की बातें चलेंगी ना, तो बापू बन के निकलोगे अपने काम से, और आपके जीवन की रुकावट वही पत्थर है, बस आप उसको सरका नहीं रहे हैं। सरकाइए, थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा परिश्रम कीजिए। परिश्रम तो करना पड़ेगा, क्योंकि परिश्रम करने के बाद ही सफलता का सही स्वाद मिलता है। अगर आप ये वीडियो मेरे YouTube चैनल में देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, और अच्छा लगे तो कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए इसी तरीके से।